हेलो दोस्तों, सारा फैशन बुटीक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं कॉलर वाला गला, जिसको हम हाफ कॉलर भी बोलते हैं, बेंच कॉलर भी बोलते हैं। तो आज मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको बताऊंगी दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपनी जो नेक है यहाँ पर हमने फ्रंट बैक दोनों साइड जो है कट करके रखी हुई हैं। आज मैं स्ट्रेट कॉलर बता रही हूँ। तो दोस्तों स्ट्रेट कॉलर में क्या होता है कि फ्रंट और बैक के जो पोर्शन है वो आपने बराबर कटिंग करने होते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल गोल गला बनाते हैं तो उसमें कॉलर वाला जो बैक वाला पल्ला है वो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, लेकिन अभी इसमें हम बराबर कटिंग करेंगे। अब देखिए, जो इसकी चौड़ाई लेते हैं हम शोल्डर की, वो हम 7 इंच लेते हैं। इससे कम बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप इससे कम लेंगे तो कॉलर में आपको पहनने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हमने 7 इंच ही इसकी चौड़ाई रखनी है दोनों ही साइड की, फ्रंट बैक की, ठीक है। तो अब देखिए, फ्रंट गला बनाने के लिए हमने अपनी जो पेपर पेस्टिंग है मेन फैब्रिक के साथ तैयार करके रखा हुआ है इसको। तो अब देखिए, इसकी जो चौड़ाई लेंगे हम, वो हम 3 इंच लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। वैसे हम जब भी कॉलर वाला गला बनाते हैं तो इसमें 3 इंच कम से कम आपको ऊपर की तरफ इसकी चौड़ाई रखनी होती है। और इसकी जो गहराई है वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 6.5 इंच ले रही हूँ दोस्तों। अब देखिए, ऊपर हमने 3 इंच लिया था तो यहाँ पर भी मैं 3 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ दोस्तों। अब आपने ऊपर और नीचे दोनों वाले निशानों को इस तरीके से ऐसे मिला देना है। अब यहाँ पर हम अपने गले की शेप देंगे। आप अपनी मनचाही शेप ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वी कट देने वाली हूँ बीच में, इस तरीके से। यहाँ पर आपने 1/2 इंच का जो है कट देना है ये वाला, और उसके बाद आपने यहाँ पर गोल शेप दे देनी है अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, एक बार और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक। तो अब आपने इसमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले लेना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपने मार्क करना है 1-1 इंच पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपने इसी तरीके से मार्क कर देना है। ये देखिए, अब इसके बाद आपने इसको मिला देना है इस तरीके से। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले आउटर लेयर कटिंग करेंगे, और इसमें भी मैं सिलाई का जो मार्जिन है वो छोड़ रही हूँ। इसको हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप देखिए, जो मेन हमारा गला है उसको भी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ठीक है। तो हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको चारों तरफ से मोड़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको गले पर लगाएंगे। तो आज जो मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ कॉलर लगाने का, ये बेहद आसान तरीका है। इसको बिगिनर भी बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, और बड़ी ही सफाई के साथ और बड़ी ही आसानी से ये गला बनने वाला है दोस्तों, और एकदम परफेक्ट रहेगा। आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल एंड तक वीडियो ज़रूर देखें, स्किप ना करें। तो अब देखिए, जो हमारी जो फ्रंट नेक है, हमने इसको इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लिया है, हमने जो भी गला तैयार करा था। तो अब आपने इसको बिल्कुल किनारे किनारे इसको स्टिच करना है। अगर आप यहाँ पर हार्ड बुकरम ले रहे हैं दोस्तों, तो आपने बुकरम के किनारे किनारे सिलाई करनी है। और अगर आप यहाँ पर जैसे पेपर पेस्टिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ, इसके ऊपर ही सिलाई करनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है पेपर पेस्टिंग और जो हार्ड हमारा कैनवास होता है उसमें, ठीक है। तो ये देखिए, गला हमारा दोनों से ही बहुत ही परफेक्ट बनता है दोस्तों। दोनों ही चीज़ें अच्छी रहती हैं। पेपर पेस्टिंग से ये है, आपको संभालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये कपड़े के साथ स्टिक हो जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर आपने वी को अच्छे से कट कर लेना है, और ये दो दोनों कॉर्नर हैं वो भी आपने कट कर लेने हैं। और अब देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस लगा देने हैं आपने। अब इसको हमने सीधा कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, अच्छे से कॉर्नर वगैरह इसके सेट कर लें। तो ये देखिए दोस्तों, फ्रंट नेक हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब आप चाहे तो इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने पूरा जो गला है वो अपना कंप्लीट कर दिया है, ये देखिए। और यहाँ पर आपने जो वी है हमारी, उसको थोड़ा सा शार्प रखें, तो जब आप इसको पहनेंगे तो ये जो लुक आएगा ना, वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक।
तो हमारी जो फ्रंट नेक है तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब जो हमारा बैक नेक है वो भी तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें कटिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें इसके शोल्डर जोड़ने हैं। तो अब आपने इसको इसके ऊपर सेट कर लेना है दोनों को एक दूसरे के ऊपर, और अब आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो अब आपने जो बीच वाला हिस्सा है ये बिल्कुल यहाँ पर सीधी सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा, जब आप कॉलर लगाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि हमें कैसे इसको सेट करना है कॉलर को, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेट कॉलर लगाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब आपने इसी तरीके से जो है शोल्डर हमने ये देखिए ज्वाइन कर लिए हैं। अब हमारा जो है मेन स्टेप आता है जो कॉलर बनाने का, तो चलिए कॉलर बनाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर जो इसकी लंबाई ले रही हूँ कॉलर की वो टोटल 12 इंच लूँगी, तो हाफ़ में ये 6 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इंच पे इस तरीके से आपने निशान लगा देना है, ये हमारे कॉलर की लंबाई है। अब देखिए 3 इंच हमारा जो कॉलर रहेगा वो हमारा बैक साइड पे रहेगा, क्योंकि हमने 3 इंच का गला कट किया है, तो 6 इंच हमारा बैक साइड में आ जाएगा, बाकी ये वाला जो है वो फ्रंट साइड में आएगा, दोनों साइड 3-3 इंच, ठीक है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो हम ले लेते हैं। देखिए तैयार तो ये 1 इंच रहेगा, लेकिन हमें इसमें सिलाई मार्जिन भी जोड़ना होता है, क्योंकि ये जो बेंच कॉलर होता है और स्ट्रेट कॉलर होता है इसको ये जो है ना सिलाई इसकी अंदर भी इसमें दबाव लेती है थोड़ा सा, तो हमने उस दबाव को भी इसमें ऐड करना है। तो ये देखिए हमने 1.25 इंच का जो है एक इसमें मार्क कर दिया है। अब इसको हमने सीधा कर लेना है इस तरीके से। ये स्ट्रेट कॉलर है दोस्तों, मैं बार बार बता रही हूँ, वैसे मैंने राउंड कॉलर भी बनाना बताया हुआ है आपको, वो आप मैं वीडियो जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसमें देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने छोटा सा गोल मार्क इस तरीके से लगा देना है, 1/4 इंच का लेकर के चल सकते हैं आप इसमें तो बहुत ज़्यादा इसमें आप गुंजाइश नहीं होती है, तो इसमें हम 1/4 इंच का ही मार्जिन रखते हुए इसमें गोलाई दे देते हैं, और इसके ऊपर अब आपने कटिंग कर देनी है कॉलर को, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अब आपने इसी लाइन के ऊपर इसको कट कर देना है, ठीक है। तो हमारा जो कॉलर है वो तैयार हो चुका है दोस्तों। अब आपने इसको जो है मेन फैब्रिक पे स्टिक कर लेना है, क्योंकि ये पेस्टिंग वाला फैब्रिक है दोस्तों, कैनवास जो है थोड़ा हार्ड वाला है, इसको स्पेशली कॉलर के लिए ही यूज़ किया जाता है, तो ये आपने आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसको सेट कर लेना है आयरन से, ये देखिए मैं इस पर आयरन इस पर रखूँगी इस तरीके से, और ये स्टिक हो जाएगा, तो इससे कॉलर बनाने में आसानी होती है दोस्तों। अब आपने जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है ना उसको भी इस तरीके से सेट कर लेना है, बाद में हम इस पर सिलाई कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये तैयार हो गया है, अब जो हमने इसको आयरन किया था मोड़ के, तो इस वाले फैब्रिक पे हम एक सिलाई कर देते हैं, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा, ये देखिए। तो अब आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। आधा आधा इंच आपने ऊपर की तरफ रखना है, हमें सिर्फ एक पतली सी सिलाई की ज़रूरत है यहाँ पर, जिससे हम अपना कॉलर तैयार करेंगे। तो अब आपने जो सिलाई करनी है बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे करनी है दोस्तों, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, और बहुत सफाई के साथ आपने करना है यहाँ पर। अब देखिए इसी तरीके से आपने बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई करनी है बुकरम के, ये देखिए इस तरीके से। अब आपने इसको फोल्ड कर लेना है और ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखिए सिलाई हो चुकी है, और अब आपने जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने कट करके निकाल देना है, ये देखिए। और जो दोनों कॉर्नर हैं दोस्तों वहाँ पर आपने छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से, दोनों साइड पे लगाने हैं आपको, और उसके बाद आपको ये सीधा कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये आप देख रहे हैं एक साइड है हमारा जो स्ट्रेट कॉलर आ गया है, तो ये वाली साइड आपने बाहर की तरफ रखनी होती है, ठीक है, जो जिस साइड पे हमने पेस्टिंग चिपकाई है। अब देखिए यहाँ पर इसको जो डबल करके इस तरीके से खींच के पकड़ें, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपने कट कर देना है, सिर्फ सिलाई मार्जिन ही रखना है यहाँ पर, और सेंटर पर एक मार्क कर देना है, जब हम इसको सिलाई करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी, ये देखिए इस तरीके से आपने मिला देना है इसको। अब आपने क्या करना है, ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको रखा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें एक सिलाई कर देनी है बिल्कुल बारीक बारीक, ये देखिए।
अंदर की तरफ इसको हम इसलिए फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि जब हम कॉलर लगाएंगे दोस्तों तो हमें इसको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, ये पहले से ही तैयार है कॉलर। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने जो कॉलर है अपना बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो चलिए अब इसको हम लगाते हैं अपनी कुर्ती में, ठीक है। तो कुर्ती आपने ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने हाफ मार्क कर लेना है बिल्कुल फोल्ड करके बीच में इस तरीके से। तो अब आप कुर्ती सेट करें इस तरीके से। ये हमने कुर्ती जो है तैयार कर ली थी पहले ही। तो अब देखिए ये जो है हमने जो हमने मार्क किया, ये देखिए कॉलर इस तरीके से आएगा। तो अब ये जो सेंटर वाला मार्क है आपने इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है। और इस तरीके से आपने जो ये निशान है ना आपने आपस में मिलाने हैं इसको। ये देखिए पहले मार्क कर लें इस तरीके से। अब आपने इसको ये देखिए इस तरीके से रखना है ऐसे। जो ये सीधी साइड है ना, सीधी साइड से आपने इस तरीके से दोनों निशानों को मिलाना है और इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ मिलाते हुए चले आएँ। यहाँ पर कोई भी चीज़ दोनों में से खींचनी नहीं है आपने, ना ही कपड़ा ना ही कॉलर, ठीक है। बिल्कुल बराबर बराबर आपने रखना है इस तरीके से। और ये देखिए, ठीक है। तो ये हमने मार्क भी लगाया था यहाँ पे पहले, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है दोस्तों। तो अब हम इसको सिलाई कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए अब आपने बिल्कुल इसके साथ साथ ही इसको सिलाई कर देनी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे शोल्डर के जोड़ पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसको आपने कॉलर को मोड़ लेना है इस तरीके से। जैसे फ्रंट का अलग है पोर्शन और बैक का अलग, इस तरीके से आपने फ्रंट साइड पे कॉलर को मोड़ के सिलाई करनी है। जिससे क्या होगा, जब आप इसको कॉलर को पहनेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वो पहले से ही मुड़ा हुआ तैयार एकदम आएगा बन के, ठीक है। तो बैक साइड पे आपने सिलाई करते पे ध्यान रखना है, जो हमारे सेंटर वाले मार्क्स थे वो आपने मिला के रखने हैं। अब यहाँ पर भी आपने पक्का कर देना है। और देखिए दोस्तों कॉलर हमारा लग चुका है, ठीक है। अब आपने जो ऊपर वाली इसकी टॉप वाली स्टिच है वो भी एक दे देनी है। तो इसके साथ इसमें जब टॉप स्टिच हम देते हैं तो आपको पता ही है दोस्तों हमारी जो सिलाई है एकदम निखर के आती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है, परफेक्ट लगती है, ठीक है। तो कॉलर के ऊपर भी हमने ये जो है टॉप स्टिच दे दिया है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों कितनी खूबसूरती के साथ हमारा कॉलर बन चुका है। स्ट्रेट कॉलर, बेंच कॉलर, हाफ कॉलर, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो अब मैं इसको तैयार करके पूरा कुर्ती को दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों पहनने के बाद कुर्ती का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों ये बाजू का डिज़ाइन भी आप देख रहे हैं तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देख सकती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।